प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में कितनों को पता है? क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना जरूरी है एआई का यूज करने के लिए? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर आउटकम्स पाने के लिए वाकई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत है? वेल, अगर मैं आपको एक वर्ड में जवाब दूँ तो जवाब है नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नॉट बैड, क्योंकि इससे भी आप अपने डिजायर्ड आउटकम्स यानी कि मनचाहे रिजल्ट्स निकलवा सकते हो। चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद भी कई सारे एआई टूल्स पॉपुलर हुए जिनका यूज़ करने के लिए प्रॉम्प्टिंग को इम्पोर्टेंट बताया गया, और यही बात शुरुआत से ही लोगों के दिमाग में भरी गई कि एआई का यूज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना जरूरी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कुछ दिमागदार लोगों ने, जिन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर ही ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना स्टार्ट कर दिया और बहुत पैसा छापा YouTube पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी। लेकिन अब आपको ये सब कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बिना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के भी AI का अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, AI से अपने मनचाहे रिजल्ट निकलवा सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल, अब जो टेक कंपनीज है वो अपने AI मॉडल्स को आइडियाज टू आउटपुट जनरेट करने के लिए ट्रेन कर रही है, ना कि केवल प्रॉम्प्ट टू आउटपुट। क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम्प्लेक्स नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग उसका यूज़ कर पाए, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कोई नहीं कर पाता। तो इसीलिए सारी कंपनियां यही चाहेंगी कि उनका प्रोडक्ट इजी टू यूज़ हो, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएँ। बस एक चीज़ मैटर करती है कि आप अपने टास्क को किस तरह डिस्क्राइब करते हो, क्योंकि जिस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे उसी तरह से AI आपको रिस्पॉन्स भी करेगा। और आपको हमेशा फॉलो अप वे में क्वेश्चन पूछने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन पूछा तो AI ने आपको उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर आपको क्या करना है, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछो, फिर आपको AI और भी रिलेवेंट रिस्पॉन्स देगा। फिर आप ऐसे ही फॉलोअप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपका डिजायर्ड आउटकम्स आपके सामने मिल जाएगा। तो आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं GPT स्टोर की। OpenAI ने रिसेंटली अपना GPT स्टोर भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको बहुत सारे कस्टम GPTs मिल जाएंगे जो किसी स्पेशल टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किए गए हैं, और आप अपने नीड के हिसाब से कोई भी GPT का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना हो तो पहले क्या करते थे, आप चैट GPT में जाते थे, फिर वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देते थे, एक्ट एज अ राइटर, और फिर कोई टॉपिक देते थे एंड देन इंस्ट्रक्शन देते थे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था, जिसके बाद ही आपको कोई रिस्पांस मिलता था। लेकिन अब अगर आपको किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखवाना है तो आपको सिंपली जाना है GPT स्टोर पर, और वहाँ पर आपको राइटिंग का कोई GPT सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसमें आपका टाइम भी बहुत बचेगा, क्योंकि आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैट GPT के एक स्पेशल फीचर की, कस्टम इंस्ट्रक्शन। इस फीचर की मदद से आप चैट GPT में एक खुद का पर्सोना क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको चैट GPT से और भी पर्सनलाइज रिस्पॉन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोडर हो तो आप अपना पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, चैट GPT के सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आपको कस्टम इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस दिखेंगे, ऊपर वाले बॉक्सेस में आपको अपने बारे में डिटेल्स देनी है, जैसे आप कहाँ रहते हो, आप चैट GPT का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, या आपका गोल क्या है। ऐसी डिटेल्स आप ऊपर वाले कॉलम में भरो, और नीचे वाले कॉलम्स में आपको ये डिसाइड करना है कि चैट GPT को किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चैट GPT को आपको लॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहिए या शॉर्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए, किसी टॉपिक पर चैट GPT को अपना ओपिनियन देना चाहिए या फिर न्यूट्रल लेना चाहिए। इस तरह के डिटेल्स आप भर के अपने चैट GPT को और भी कस्टमाइज कर सकते हो, और भी पर्सनलाइज कर सकते हो। इसके बाद आप चैट GPT से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो चैट GPT आपको और भी पर्सनलाइज आंसर देगा, वो भी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर। इससे भी यही फ़ायदा होगा कि चैट GPT में आपको बार बार जाके रोल प्ले नहीं देना पड़ेगा, जैसे एक्ट एज अ कोडर और बिहेव एज अ कोडर, और इसमें भी आपको खासा प्रॉम्प्टिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे खास सेगमेंट होने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स बताए उनमें पहला पॉइंट जो है GPT स्टोर वाला, वो सिर्फ चैट GPT के प्लस यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, और पॉइंट नंबर 2 जो कि कस्टम इंस्ट्रक्शन वाला है, इसमें जो शुरुआत के कुछ स्टेप्स है ये थोड़े कम्प्लेक्स हो सकता है आपको लगे, तो डोंट वरी, पॉइंट नंबर 3 मिस मत करना, क्योंकि ये फ्री भी है और ईजी भी है, इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं एक AI ऐप के बारे में, और इस ऐप का नाम है Now AI। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब लेटर के लिए मिल जाएगा, ईमेल राइटिंग के लिए, वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, और इमेज जनरेट करवाने के लिए आपको Midjourney के भी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, और लव लेटर लिखवाने के लिए भी। तो आपको क्या करना है, अपने कैटेगरी के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट चूज़ करना है, एंड देन उसको अपने हिसाब से एडिट कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा टाइम लगेगा, उसे एडिट कर लो, एंड देन वहाँ से आप उसे कॉपी पेस्ट करके दूसरे AI प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ से भी रिस्पॉन्स पा सकते हो, क्योंकि ये भी एक AI चैटबॉट है। तो इस ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो आपको इन तीनों में से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में।